श्रीमतीभ्य सौरभीभ्य नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नम श्रीराम जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव पर उपस्थित संत वृंद विद्वदृंद आदरणीय मातृशक्ति और सज्जनों चपंडी इचेन पेदल म नमस्कार ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में आने पर श्रृंगेरी मठ हमारा आना हुआ है आंध्र प्रदेश या राजधानी आई विजयवाड़ गिरावड़म माँ के श्रृंगेरी मठान गिरावड़ माँ के श्रृंगेरी मठ आ करके हमको क्यों प्रसन्नता हो रही है ऐसा प्रश्न आपके मन में आएगा तो उसके दो कारण हैं। एक कारण हमारा व्यक्तिगत है और दूसरा सामूहिक है श्रृंगेरी मठा की मेम राव कारण पैक रे सदालगत रेडोदी सामाजा के संबंधी व्यक्तिगत कारण ये है कि श्रृंगेरी हमारा गुरुपीठ है सरस्वती नामा सन्यासी होने के नाते और सीधे सीधे वहाँ से जो इस समय के वर्तमान पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज हैं उन्होंने हमको दीक्षा भी मंत्र की प्रदान की है इसलिए वो हमारा गुरुपीठ है इसलिए श्रृंगेरी मठ आने से हमको प्रसन्नता है ताली बजा रहे हैं लोग इसका मतलब समझ रहे हैं लोग सब समझ रहे हैं दूसरा जो सामूहिक कारण है वो क्या है रेडोदी सामाजिक का कारण वो ये है आप लोगों को पता है कि आदि शंकराचार्य जी ने जब भारत की चार दिशाओं में चार मठ बनाने का निर्णय लिया शंकराचार्य आदिशंकर्यारू भारत देश नलवाई पुलिस तब उन्होंने सोचा कहाँ बनाए तो जो चार धाम है हमारे उन चार धाम में चार मठ की स्थापना का उन्होंने निर्णय लिया इन नालू मठालो नालू धाम चार धाम नाम स्थापित हम हिंदुओं के चार धाम हैं उत्तर में बद्रीनाथ पूर्व में जगन्नाथ पश्चिम में द्वारकानाथ और दक्षिण में रामनाथ इन नागुद धाम उतर बद्रीनाथ द्वारका द्वारकानाथ पूर्व में जगन्नाथ लो जगन्नाथ और दक्षिण में रामनाथ दक्षिण लो रामनाथ अच्छा कौन कौन हिंदी समझ रहा है हाथ उठाओ नाइन्टी परसेंट देखो बहुमत का जमाना है नाइन्टी परसेंट लोग हिंदी समझ रहे हैं तो दस परसेंट लोगों को सफर करना पड़ेगा ठीक है चार धाम हिंदुओं के हैं चारों दिशाओं में जिनकी यात्रा प्रत्येक हिंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम है त्रेता का धाम रामेश्वर है द्वापर द्वारका से जुड़ा हुआ है और पुरी का जो जगन्नाथ स्थान है वो कलयुग का धाम माना जाता है इसी तरह का वहाँ पर अनुभव भी लोगों को होता है इसी तरह का वहाँ पर आचार व्यवहार भी सुनिश्चित है ये चार धाम हमारे परंपरा से सतयुग से चले आ रहे हैं ये माना जाता है कि भगवान विष्णु काल बद्रीनाथ में स्नान करते हैं फिर वहाँ से आगे चल कर के वो द्वारका जाते हैं वहाँ पर भोजन करते हैं और फिर रामेश्वरम आते हैं वहाँ पर शास्त्र चर्चा करके जगन्नाथ जी पहुँच करके आम लोगों से मिलते हैं और ये परंपरा चली हुई है तो भगवान शंकराचार्य जी ने सोचा इन्हीं धामों में हम चार पीठ की स्थापना करेंगे तो आप जानते हैं बद्रीनाथ का जो ज्योतिर्मठ है उत्तरामनाय पीठ वो बद्रीनाथ में स्थापित हुआ ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है छः महीने भगवान की पूजा बद्रीनाथ धाम में होती है छः महीने ज्योतिर्मठ में होती है क्योंकि वो बारह महीने वहीं पर रहा जा सकता है इसलिए बद्रीनाथ में न रह करके ज्योतिर्मठ बनाया ताकि निरंतर वहाँ पर पूजा अर्चना हो सके इसी तरह से जो पूर्व का गोवर्धन मठ है वो भी जगन्नाथ जी के पास में ही बनाया द्वारका का जो शारदा पीठ है वो भी द्वारकाधीश मंदिर से बिल्कुल पास में बना दिया और फिर जब दक्षिण भारत का दक्षिणाम नाय पीठ स्थापित करने के लिए भगवान शंकराचार्य चले तो रामेश्वर बहुत दूर है उसके बहुत पहले श्रृंगेरी आ गया कर्नाटक में चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट आज के अनुसार वो रामेश्वर जा रहे थे कि रामेश्वर में जाकर के हम श्रृंगेरी पीठ की स्थापना करेंगे लेकिन रामेश्वर नहीं गए और श्रृंगेरी नाम के तुंगभद्रा नदी के तट पर जो स्थान है वहीं पर उन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना कर दी क्यों जब उन्होंने सोचा था कि चारों पीठ चार धाम में बनाएंगे तो फिर तीन पीठ चार दा, तीन धाम में बना दिया और चौथा पीठ धाम से बहुत दूर बना दिया क्यों ये प्रश्न आपके मन में आता होगा और इस प्रश्न का उत्तर यह है कथा यहाँ पर लिखी हुई है कि जब भगवान शंकराचार्य रामेश्वरम धाम के लिए जा रहे थे रामनाथपुरम जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा गर्मी का समय था जो मेढक है वो ताप से बहुत तप्त था ऐसे समय में उसका नैसर्गिक वैरी जो सर्प है वो आया और आ करके उसको खाने के बदले में उसके ऊपर छाया करके खड़ा हो गया और इस तरह से उसकी रक्षा कर आदि शंकराचार्य भगवान ने जब ये दृश्य देखा उनको रोमांच हो गया उन्होंने कहा अब रामेश्वर जाने की जरूरत नहीं है अब मैं यहीं पर श्रृंगेरी पीठ बनाऊंगा क्योंकि यहां पर अभयदान मिल रहा है ये अभयदान का पीठ है और अभयदान हमारे अद्वैत दर्शन में भी समाहित है अद्वैत दर्शन का जो आचार्य है वो आपको और कुछ नहीं देता है आपको अभयदान देता है कैसे वेद कहता है द्वितीय याद वही भयम भय किससे होता है किसी और से आपको खुद से कभी डर लगा है मैं स्वयं से डरता हूं ऐसा कोई बोलता है क्या उससे डर लगता है उससे डर लगता है उससे डर लगता है खुद से किसी को कोई डर नहीं है द्वितीय याद वही भयम दूसरे से भय होता है इसीलिए अद्वैत दर्शन कहता है कि दूसरे से तुमको भय लगता है लेकिन ये तो देख लो पहले कि दूसरा है कि नहीं है और जब देखोगे विचार करके तो पता चलेगा कि दूसरा तो कोई है ही नहीं है और जब दूसरा है ही नहीं है तो किससे डरना ऐसा जब कोई व्यक्ति जान जाता है तो वो निर्भय हो जाता है ये जो अद्वैत दर्शन का उपदेश है वो हमको निर्भय बनाता है आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से भी जिस स्थान पर अभय का दान हो रहा है उसी स्थान पर मैं पीठ बनाऊंगा ऐसा संकल्प करके भगवान शंकराचार्य जी ने ये जो चौथा पीठ है उसको रामेश्वरम में न बना करके श्रृंगेरी स्थान में बना दिया आज हमारी गाय भयभीत है उसको मारा जा रहा है उसको काटा जा रहा है और जैसा कि अभी गजल सम्राट ने बताया गजल श्रीनिवास गजल श्रीनिवास ने बताया कि उनको काट काट करके बोटी बोटी करके बेचा जा रहा है गाय के मन का जो भय है उस भय को अगर दूर करने में कोई सक्षम होगा तो श्रृंगेरी पीठ का ये जो क्षेत्र है यह श्रृंगेरी जो मठ है वो सफल हो सकता है क्योंकि अभय की नींव पर यह मठ बना हुआ है इसकी नींव में भय मुक्ति है गाय का भय दूर होगा इसलिए श्रृंगेरी मठ आकर के प्रसन्नता हो रही है और इतना ही नहीं ये जो चोल मंडल है आपका चोल राजाओं का स्थान यहाँ आकर के भी हमको प्रसन्नता हो रही है क्यों प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आज इस संसार इस देश में भारत देश में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा अगर किसी की है तो आपके चोल मंडल की है कैसे बिना पूछे आप लोग कैसे मान लोगे केवल अमुक ने कह दिया इतने से तो मानोगे नहीं आप तो हम बता रहे हैं देखिए अभी थोड़े दिन के पहले अपने देश में नए संसद भवन का निर्माण हुआ हुआ ना नया पार्लियामेंट हाउस बना नया पार्लियामेंट हाउस जब बन गया तो लोगों ने सोचा कि अब राष्ट्रपति भारत के आएंगे वो इसका उद्घाटन करेंगे लेकिन राष्ट्रपति नहीं आए उनको बुलाया नहीं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी वो सबसे आगे चले ऐसा लोग मानते हैं लेकिन सच्चाई ये नहीं है सच्चाई ये है कि सबसे आगे अगर कोई चला सबसे पहले अगर किसी ने नए पार्लियामेंट में प्रवेश किया तो वो आपका चोल मंडल है क्यों क्योंकि आपके चोल राजाओं का जो ये राजदंड है जिसको सिंगोल कहते हो आप इसी सिंगोल को आगे आगे करके तब प्रधानमंत्री जी घुस रहे थे पार्लियामेंट में आप लोगों ने दृश्य देखा था कि नहीं देखा था ये देखिए ये है सिंगोल वही है ना ये सिंगोल सबसे पहले पार्लियामेंट में गया तमिलनाडु का है ठीक है दक्षिण तो है ये सिंगोल वहां पर गया ये चोल राजाओं का ही क्षेत्र है तमिलनाडु तक उनका बाद में विस्तार हुआ था शुरू में यहीं पर चोल राजा थे और उन्हीं का ये चिन्ह था राजदंड इसी को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री संसद में गए तो सबसे पहले संसद में किसने प्रवेश किया इसी राजदंड ने प्रवेश किया और इस राजदंड में ये राजदंड है इसके ऊपर देखिए इसके ऊपर कौन बैठा है आ, ये बड़ा चित्र देख लीजिए हाँ ठीक है गो माता कह सकते हो नंदी स्वामी कह सकते हो दोनों एक ही है मां बेटा ही तो है जो मां वही बेटा जो बेटा वही मां यह बैठा हुआ है उसके ऊपर इसका मतलब आज की पार्लियामेंट में सबसे पहले प्रवेश किसने किया आपकी गौ माता ने प्रवेश किया आपके नंदी बाबा ने प्रवेश किया और आपने दक्षिण भारत ने प्रवेश किया इसलिए आज की तिथि में भारत में सबसे ऊंचा स्थान अगर किसी का है तो वह आपके इस दक्षिण क्षेत्र का और इस राजदंड का और माता का है इसलिए जब ऐसा सुंदर संयोग उपस्थित हो गया हो कि दक्षिण भारत का ये जो क्षेत्र है भगवान शंकराचार्य जी के अनुसार वो संसद में ऊंचे स्थान पर विराजमान हो गया हो और भारत के प्रधानमंत्री उसको महत्व दे रहे हों तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अब वो समय आ गया है कि गुरुओं की प्रेरणा से आप सबकी प्रार्थना से और गोपाल मणि जी जैसे हमारे देवेंद्र पांडे जी जैसे राजेश राजेश्वरी देवी जी जैसे आनंद जी जैसे और सीएल एल राजम और गजल श्रीनिवास और हमारे आप सब की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप गौ माता को फिर से वही प्रतिष्ठा भारत में मिलने वाली है जो प्रतिष्ठा आपके पूर्वजों ने पहले से उनको प्रदान की थी गाय राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित होगी उसकी हत्या बंद होगी इससे क्या होगा कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो बड़ा घाटा हो जाएगा क्या क्या घाटा होगा क्या घाटा ये होगा कि गाय को काट करके उसका जो मांस हम बेच रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है वो पैसा बंद हो जाएगा तो हमको घाटा हो जाएगा ये घाटा है अपनी माँ को काट करके बेच करके पैसा कमाने से फायदा होता है यही है भारत यही है भारत की संस्कृति ये नहीं है भारत की संस्कृति में अपनी माँ का सम्मान किया जाता है और माँ जब प्रसन्न होकर के दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देती है तब हम समझते हैं कि हमारा फायदा हो रहा है इसीलिए गाय का मांस बेच करके हम भारत में लाभ नहीं कमाएंगे भारत में हम अपनी माँ को सम्मान दे करके उसका आशीर्वाद लेंगे और उससे हम समझेंगे कि हम धन धान्य से समृद्ध हो गए माँ के आशीर्वाद में शक्ति होती है गुरुओं के आशीर्वाद में शक्ति होती है तो गौ माता का जो आशीर्वाद हमारे पूर्वजों को मिला था उससे हम वंचित होने लग गए हैं अब फिर से आवश्यकता है कि हम सब लोग फिर से खड़े हों और गौ माता का वो पुराना सम्मान फिर से गौ माता को प्रदान करें और उनका आशीर्वाद लेकर के धन धान्य से भी समृद्ध हों और तन मन से भी स्पुष्ट हों आप लोगों में से कितने लोग इस कार्य के लिए तैयार हैं हाथ उठा करके बताइए हा सब लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छा है तो इसीलिए हम निकल पड़े बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शंकराचार्य जी मठ में आराम कर रहे हैं हमने कहा हम बाहर निकल जाते हैं अब इस समय भारत पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं हर प्रदेश में जा कर के वहाँ पर गौ प्रतिष्ठा का ध्वज लगा रहे हैं वही ध्वज आज इस पवित्र प्रांगण में विराजमान होगा और वही ध्वज पूरे आंध्र प्रदेश को गौ माता के बारे में भक्ति और शक्ति का निर्माण करेगा ये आज आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है विशेष करके गौ माता को लेकर के हमको कोई लड़ाई नहीं है किसी से हमारे मन में किसी से कोई निंदा नहीं है हम सबको अपना भाई समझते हैं अपनी बहन समझते हैं लेकिन जब कोई भाई कोई बहन हमारी माँ को ही मारने लगे तब कैसे उसको हम भाई कह पाएंगे आप अपने भाई को भाई कह पाएंगे अगर आपका भाई आपकी माँ का हत्यारा हो जाए बोल पाएंगे नहीं बोल सकते इसीलिए हम तो सबको मानते हैं लेकिन जो लोग गौ हत्या में अपने आप को लगा चुके हैं जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे हम अपना संबंध तोड़ते हैं उनको हम भाई कहने के लिए तैयार नहीं वो कसाई हैं वो भाई नहीं हैं इसलिए जो जैसा है उसको वैसा ही शब्द बोलना पड़ेगा जो भाई है वो भाई बोलना पड़ेगा और जो कसाई है उसको कसाई बोलना पड़ेगा अब आपको तय करना है कि क्या आप कसाइयों से संबंध रखना चाहेंगे और अगर नहीं रखना चाहेंगे तो कसाइयों से अपना संबंध छोड़िए ये सरकारें गाय को काट करके उसके मांस के बेचने के व्यापार को बहुत बढ़ावा दे रही हैं इस समय भारत देश जो गाय को पूजने वाला देश माना जाता है वो गाय के मांस के निर्यात में एक्सपोर्ट में बहुत तेज़ी से ऊंचे उठ रहा है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आ गया है और कितनी जल्दी पहले नंबर पे आ जाए इसके लिए तैयारी चल रही है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग गौहत्या को बढ़ावा दे रहे हैं उन राजनेताओं से और वैसी पार्टियों से आप अपने आप को हटा लीजिए क्योंकि आपके शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पाप में सहयोग करता है वो भी पापी हो जाता है तो आप अगर इनको अपना वोट देंगे और आपके वोट से सरकार में जा करके ये हत्या करेंगे तो आपको भी हत्या का पाप लगेगा इसलिए एक धर्माचार्य होने के नाते हम आपको ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जाने में चाहे अनजाने में आप गौ हत्या के पापी बन रहे हैं छोड़िए जब कोई वोट देने का मौका आए तो वोट देने जरूर जाइए लेकिन वोट उसी को दीजिए जिसने घोषणा शपथ पूर्वक कर दी हो कि अगर मैं जीतूंगा तो सबसे पहला काम गाय के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा का करूँगा हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे किसी व्यक्ति को वोट दे दीजिए लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जिसको भी वोट दीजिए पहले उससे शपथ पत्र ले लीजिए तभी दीजिए नहीं तो आप भी गौहत्या के पापी बनेंगे गलत कह रहे हैं आपको पाप में डालने के लिए कह रहे हैं कि पाप से बचाने के लिए कह रहे हैं और पाप से जो बचेगा उसकी उत्तम गति होगी और जो पाप से नहीं बचेगा उसकी अधोगति होगी तो आपकी अधोगति बचाना हमारा उद्देश्य है भगवान शंकराचार्य ने मठामनाय महानुशासन लिख करके के आने वाले शंकराचार्यों के कर्तव्यों का निर्धारण किया है उन्होंने मठाम नाय महानुशासन में लिखा है कि ये जो आचार्य है ये क्यों बैठा है ये इसीलिए बैठा है कि अगर किसी से भूल चूक से पाप दोष हो जाए तो उसका प्रायश्चित करवाए और प्रायश्चित करके फिर से उसको शुद्ध बना दे आचार्या दंडास्तु कृत्वा मानवाहा निर्मला स्वर्ग माया संतो यथा आचार्य के द्वारा बताए गए प्रायश्चित को करके जो पापी है वो फिर से निष्पाप हो जाता है और उसी तरह से स्वर्ग में जाता है जैसे कोई पुण्यात्मा जाता हो तो आचार्य का काम है कि आपको बताए कि आपसे गड़बड़ी हो रही है पाप हो रहा है उससे बचिए और जो हो चुका है उसके लिए प्रायश्चित करिए अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आप फिर से निष्पाप हो जाते हैं तो आपको निष्पाप बनाए रखना ये शंकराचार्य का काम है और इसीलिए आपको आपको माने केवल यहाँ पर बैठे हुए लोगों को नहीं बल्कि अपने पूरे हिंदू समाज को निष्पाप बनाने के लिए ये यात्रा हमारे द्वारा की जा रही है और इस बारे में आवाज उठाई जा रही तो बंधुओं ये गौ माता ही है जिसने आज आपको और हमको एक साथ मिला दिया हमारी माता गौ माता है आपकी अगर है तो बोलिए नहीं नहीं मेरी माता मेरी माता गौ माता है हाँ और तेलुगु में माँ अम्मा माँ तल्ली गौ माता माँ तल्ली और आपके आपके ठीक है तो अब देखिए अभी तक हम लोगों का सीधा संबंध नहीं था जैसे ही मैंने कहा कि मेरी माँ गऊ और आपने भी कहा मेरी भी माँ गऊ अब जब हमारी आपकी माँ कॉमन हो गई तो हमारा आपका क्या संबंध हो गया हम लोग क्या हो गए भाई, 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 भाई बहन ठीक है तो आज ये गाय माता है जिसने आपको हमको जोड़ दिया और जोड़ करके भाई बहन बना दिया इस गौ माता की हम भाई बहनों को मिलकर के रक्षा करनी है यही हमारा संदेश है अगर आप लोग इसको स्वीकार करते हों तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और अपना दाहिना हाथ उठा करके संकल्प करिए ये संकल्प हम हिंदी में नहीं कराएंगे इसको हम कहेंगे इन्हीं को हमारे जो गज़ल सम्राट हैं कि ये तेलुगु में ये संकल्प कराएँ आपको हाँ మా తల్లి గోమాత చలో మన తల్లి మన తల్లి ఆఖరి శ్వాస దాకా మన తల్లి గోమాతను పూజిద్దాం రక్షిద్దాం రాబోయే తరాల వారికి ఇదే స్ఫూర్తిని అందిద్దాం మన తల్లి గోమాత मरतल गो, गो माता मरतल्ली मरतल्ली गो, गो, गो माता की आप सब पर कृपा हो हर हर महादेव